कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और इतिहास पुरुषों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा हिंसावादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इस दौरान सुरजेवाला ने प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी वापस लेने, अनंत हेगड़े, अनिल सौमित्र और नलिन कटील को भाजपा से बर्खास्त करने की मांग की। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी प्रचार में गांधी और विचार में गोडसेवादी है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेतागण मोदी जी और शाह जी के इशारे पर आए दिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों, देश के रणबांकुरों और देश के शहीदों का अपमान करने की उन्होंने ठान रखी है। फिर मोदी सरकार के तीन लोगों ने, पहला मोदी जी के मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने, उसके बाद उनके सांसद नलिन कटील ने और मध्य प्रदेश भाजपा इकाई के मीडिया प्रभारी अनिल सौमित्र ने आज फिर बापू को लेकर अपमानजनक भाषावली का पुनर्इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और इतिहास पुरुषों के खिलाफ एक युद्ध